बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत मोहकमपुरा के सरपंच सुश्री सुशीला सिंगाड़ा जिनके प्रतिनिधि नरजी मानिया सिंगाड़ा ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि अब तक के कार्यकाल में बहुत सी योजनाओं का पंचायत वासियों को लाभ मिल चुका है और जो पंचायत में वंचित विकास कार्य है उसे पूरा करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी नरजी मानिया सिंगाड़ा के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मोकमपुरा, जिसके नवनिर्वाचित सरपंच हैं सुश्री सुशीला जी, उनके जो प्रतिनिधि है सरपंच साहब उनके पिताजी, उनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं कि जो उन्होंने अपनी पुत्री को चुनाव मैदान में उतारा था, अच्छे वोटों से उनकी विजय हुई है। पूर्व में भी ये कार्यकाल एक कार्यकाल में इनकी धर्मपत्नी सरपंच पद पर रह चुके हैं, तो इनसे मिलते हैं कि इन्होंने अभी इस कार्यकाल में अपनी पुत्री को विजय बनाया है, तो इस कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या विकास करवाया है, क्या क्या इनके मुद्दे थे और क्या क्या इनके एजेंडे थे। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, ये बताइए, अभी आपकी पुत्री है सरपंच पद पर और उनको जनता ने चुना है, अच्छे वोटों से विजय हुई थी, तो ऐसे अभी क्या मुद्दे थे जिनको लेके आप चुनाव मैदान में दोबारा इनको उतारा और विजय हुई है, और ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको आपने सफल करवाया? वो हमारा पिछला कार्यकाल अच्छा रहा होगा जी, जनता ने हमको, हमने जनता के बीच में रहा, जनता का विकास किया, बिल्कुल, इसलिए हमको दूसरी बार जनता ने हम पर विश्वास करके जिताया, बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले जो हमारा कार्यकाल रहा वो अच्छा रहा, हमने लोगों को बीच में रहे, नरेगा का कार्य करवाए जी, एस एच सी के काम में हमने, जैसे नरेगा में नरेगा है, एस एच सी में जैसे नालियाँ बनवाई जी, लोगों के शमशान घाट बनवाए जी, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी, इसके बाद स्वच्छ भारत के अंदर हमने स्वच्छ गाँव गाँव घर घर शौचालय बनवाए जी, ये हमारे मेन विकास के कार्य है पिछले कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने बताया कि जो माननीय मोदी जी की जो मान लो योजनाएँ चलाई हुई है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, शौचालय वगैरह है वो आपने घर घर में मान लो पूर्ति करवाई है, बनवाए हैं कि बाहर शौच जाने से लोग बचें और उनको हर चीज़ की सुविधा मिले घर पे। तो सर जैसे बात करते हैं इन योजनाओं की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में आपने आज तक कितने लाभार्थियों को लाभ दिला दिया और कितने बाकी हैं? देखो पिछले कार्यकाल में हमारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जी करीब करीब हमने पूरी पंचायत में आवास बन चुके हैं, मात्र 10% आवास अब बनने बाकी है जी। इसके अलावा भी हमने जो बाकी वंचित लोग रह गए थे जी, उनके भी हमने पीडीएफ बना के ऑनलाइन कर दिए जी। बहुत ही बढ़िया। तो सर अभी वर्तमान में आपके पुत्री सरपंच है, आप प्रतिनिधि के रूप में हो, और तो आपने अभी वर्तमान में इस कार्यकाल में क्या कोई पक्के कार्य या नरेगा के तहत क्या करना है? अभी वर्तमान में जो हम सरपंच का चुनाव जीते हैं जी, इसके तुरंत बाद कोरोना काल आ गया, बिल्कुल, उसमें लॉकडाउन लग गया जी, देश में कहीं से कहीं हम नहीं जा पाए जी। इसके अलावा कोरोना काल में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमें कोई फीस नहीं दी, बिल्कुल, नरेगा में जो कार्य हुए जी वो भी कच्चे कार्य हुए, उसमें रपट पुलिया बनवाए, लेवल सड़कें बनवाए, और जैसे नहर की सफाई, ये काम अच्छे कार्य करवा के लोगों को हमने रोजगार दिया जी जी कोरोना काल में। बहुत ही बढ़िया आपने जो बताया सोचा। लेकिन सरपंच साहब अपन एक बात करते हैं कि आपने बताया कि नरेगा के तहत हमने कच्चे कार्य करवाए, उनके माध्यम से जनता को रोजगार भी दिया है, लेकिन सर जैसे हम कई ग्राम पंचायतों में गए हैं, मिले हैं, और लगभग राजस्थान की ये समस्या है कि सुनने में आ रहा है कि जो नरेगा का जो बजट है वो अभी तक नहीं आ रहा है, उसके उससे थोड़ी पंचायतों में और थोड़ी समस्या आ रही है, क्या ये सही है? ये बात सही है जी। 2019 से 20 जी के बीच में जो भी पक्के कार्यों का हमने या अन्य पंचायतों ने बिल फिट करवा रखे हैं जी जी, उसके कुछ पैसे तो अभी आ गए हैं जी, और कुछ के पैसे बाकी हैं जी। इससे क्या है, ग्राम पंचायतों में पक्के कार्य करने में दिक्कत आती है, दिक्कत आ रही है, तो हमारा तो ये अनुरोध है कि केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी
मनरेगा का बजट दिया गया। बहुत ही बढ़िया। तो सर जैसे कोई मान लो इस कार्यकाल में आपने सरपंच पद करने के बाद कोई पक्के कार्य का निर्माण किया है? पक्के कार्य का तो हमने इस समय कोई काम नहीं करवाया है। गांव में जरूर हमने ब्लॉक की स्थापना की है रोड के दोनों तरफ जी। इसके अलावा नालियों की सफाई करवाई, नालियां जहाँ टूट गई थी उसको पक्की कराई, रिपेयरिंग करवाई जी। जो भी बजट आया इसके अलावा हमने कुछ ज़्यादा कोई पक्के कार्य नहीं कराए, एक दो सीसी सड़कें बनवाई जी। जी बहुत ही बढ़िया, सराहनीय जो आपने आज तक, आज 10 साल से, आज 5 साल पीछे आप कार्यकाल में रह चुके हैं, 5 साल अभी जनता ने आपको मौका दिया है, तो बहुत ही अच्छा आपका कार्यकाल गुजर रहा है और आपने अच्छी लोगों की सेवा की है इसलिए जनता ने आपको दोबारा चुना। तो सर बात करते हैं अभी जैसे हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी है, बहुत ही भयंकर विकराल रूप ले रही है। एक साल पहले पूर्व में 2020 में भी 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, साल पूरा होने जा रहा है और निकल गया है। अब दोबारा दूसरा वर्ष इसमें मान लो इसी रूप में विकराल रूप में ये भयंकर रूप धारण कर रहा है। तो सर कोरोना के बचाव के लिए आप अपनी ग्राम पंचायत को और आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे और कैसे उनको बचाव के सुझाव बताएंगे, ये बताएंगे? देखो पिछले साल जब हम चुनाव जीते नए थे जी, तो हमको भी इस बीमारी का ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अनुभव नहीं था जी। ये चीन से निकली हुई बीमारी थी, बिल्कुल एक तरह की छुआछूत की बीमारी थी जी। जी तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा जी। हमारा ये खेड़ा धरती है, बहुत ही गरीब स्थिति के लोग हैं, अधिकतर लोग प्लान कर चुके थे, वो वापस पैदल पैदल आए हैं, कोई बस में आए हैं, तो उनके घरों में वास्तविकता तो ये थी कि उनके खाने की जो समस्याएं थी जी। उनके खाने पीने की समस्या थी, उस समस्या को लेकर हम उनके घर घर पहुँचे। यहाँ तक तो हमने अपने हमारे जो स्थानीय विधायक है रमीला मैडम, बिल्कुल उनके माध्यम से भी उन्होंने हमको राशन उपलब्ध करवाया जी। और कुछ पंचायत से राशन उपलब्ध किया जी। और हमने घरों में जाके पर घर में जी राशन उपलब्ध करवाया जी। सभी व्यक्तियों को। तो अभी सर ये क्या अपील करेंगे इसके रोकथाम के लिए? और जैसे कई आज लॉकडाउन लग रहा है, लोग मजदूरी से वंचित रह रहे हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल गरीबी तबके के जो लोग हैं उनको आप क्या पंचायत के थ्रू आप क्या सहायता करेंगे और उनको अभी क्या मांग अपील करेंगे इसके बचाव के लिए? और शुरू स्टार्टिंग में तो हम यही अपील करेंगे कि आप अपनी जान बचाइए, बिल्कुल ये भयानक बीमारी है कोरोना जी। आप किसी के पास जाए नहीं जी, जहाँ तक हो सके अपने घरों पर ही रहे जी, ये हमारा विशेष रूप से अनुरोध है। इसके बाद अगर आप कहीं जाते हो जी, तो अपनी सुरक्षा के साथ जाइए, मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइजर साथ में ले जाइए, जिससे आपकी सुरक्षा और आपका जीवन बढ़ सके। इसके साथ ही हमारा जो प्रयास है ग्राम पंचायत में, तो हमने रोजगार गारंटी के अंदर अभी भी कार्य चालू कर दी है, जहाँ करीबन 600 लगभग मजदूर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और विशेष रूप से हमारा ये प्रयास है कि आप लोग अपने जीवन को समझते हुए कहीं से कहीं ना जाए, और अगर कोई बीमार होता हो तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को निदान कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है सरपंच साहब आपने कि इस बीमारी से बचने के लिए यही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और जैसे मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इसका बचाव यही है कि अपन दूरी बना के रखें, घर में रहेंगे वही बचाव है। तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है सरपंच साहब आपने, और RPD न्यूज़ के अंदर आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ग्राम पंचायत महकुमपुरा में पधारे, इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और आपने पंचायत की जानकारी दी है, जानकारी ली है और आगे भी बताएंगे, इसके लिए मैं आपको मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।